टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज में। जी हां दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि एक KTU के सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे सिवाय फाइनल ईयर के। तो मैं आप सबको बारीकी से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों जितने भी भाई लोगों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ AKTU या स्कॉलरशिप के लिए, मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ, नया वीडियो बना के लेके आऊँ, तो आप सबको अपडेट मिलता रहे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जितने भी भाई लोग हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं सारे वीडियो का अपडेट अब तक देता रहूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैं आप सबको बताने वाला हूँ इस वीडियो में सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, अंतिम वर्ष में हर विषय का केवल एक पेपर, यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम वर्ष में हर विषय का केवल एक पेपर लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका केवल एक पेपर लिया जाएगा। और मैं यहाँ पे बीच में हेडलाइन पे मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, सभी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, AKTU के सभी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। मैं आप सबको समझाने वाला हूं, बस आप सबको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। मैं आप सबको समझाऊंगा कि आप सब प्रमोट किए जाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, और अंतिम वर्ष में आपको केवल एक पेपर देना रहेगा। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आपको एक पेपर देना है अंतिम वर्ष वालों के लिए। मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छात्रवृत्ति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। सत्र ज़्यादा से लेट न हो, इस वजह से अंतिम वर्ष की छात्रों को अब हर विषय में एक ही बहुविकल्पी पेपर देना पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ जितने पेपर हों आपको बस सब एक ही पेपर देने पड़ेंगे, वो भी बहुविकल्पी भी आपको एक पेपर देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा न्यूज़ सामने आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मसलन अंतिम वर्ष में दो विषय होते हैं, एक विषय में तीन पेपर होते हैं, जो अब एक कर दिया गया है। मतलब दोस्तों जो तीन पेपर होते थे अब एक कर दिया गया है आप सबको, यानी छात्रों को केवल दो पेपर देने होंगे। हालांकि इस फैसले पर परीक्षा समिति को अंतिम मुहर लगाना बाकी है। दोस्तों आप सबको यहां पे देख सकते हैं, जितने भी बच्चे तीन पेपर देना होता था, अब बस सबको एक ही देना पड़ेगा, इस पर मुहर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं आप सबको प्रमोट के लिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, सत्र को नियमित करने के लिए VV प्रशासन कर रहा है तैयारी। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फैसले पर परीक्षा समिति की मुहर लगाना बाकी। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जितने भी भाई लोगों आप लोग को जितने भी एग्जाम के न्यूज आ रहे हैं, बस अंतिम वर्ष की परीक्षा के ही न्यूज आ पा रहे हैं, और किसी के एग्जाम लेने की तैयारी हो ही नहीं पा रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूं कि बस आप लोग मुहर लगाना बाकी है, सभी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे, 100% प्रमोट किए जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, क्योंकि उनके एग्जाम की कोई बात ही नहीं चल रही है अभी, ना न्यूज़ पेपर में कोई न्यू अपडेट आ रहा है, ना ही कहीं पर आ रहा है, बस फाइनल ईयर की बातें चल रही हैं। फाइनल ईयर की एग्जाम किया जाएगा, वो भी बहुविकल्पी किया जाएगा, और सभी बच्चे 100% प्रमोट किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है, थ्योरिकल एग्जाम करा सकता है, छात्रों को कहना है कि इससे तो परीक्षा केवल औपचारिकता मात्र रह जाएगी। दोस्तों मतलब तीन पेपरों का एक बहुविकल्पी से सहमति रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत छात्रों का ये कहना है। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कोई चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। अगर उन सबको जहाँ तक उम्मीद है, गवर्नमेंट उनको 100% प्रमोट करने की तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, उन लोग को 100% प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे 10 जून को होने वाली परीक्षा समिति की बैठक में लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 10 जून की बैठक में सभी को परिणाम आ जाएगा, कौन कौन से बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। इतना तो समझ के चलना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी बच्चे प्रमोट किए जाएंगे 100%। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, फाइनल ईयर को एग्जाम देना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जितने भी भाई लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ
हूँ तो अपडेट आप तक मिलता रहे दोस्तों। ए के टी यू के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए रहेगा तो मैं आप सबको पल पल की अपडेट लाता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपका जब काम ख़त्म हो जाता है, जब आपको अपडेट नहीं चाहिए रहेगा, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप सबको वीडियो आप तक पहुँचा सकूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।